बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डी स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। उम्मीद है डी स्टूडेंट्स आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम एक्सरसाइज 9.3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नाइन्थ क्लास के दोस्त स्टूडेंट्स रिलेटिव उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, वॉच करें। चलें जी हम एक्सरसाइज 9.3 जो है वो सॉल्व करेंगे। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो बुक वाला क्या कहता है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यानी उसने कुछ पॉइंट दिए हैं, पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं, उनका हमने मिड पॉइंट जो है वो मालूम करना है। लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट दिए हैं उसने और वो पेयर दिए हैं और वो कह रहा है कि इसका मिड पॉइंट जो है वो निकालें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मैंने 2-3 पार्ट्स आपको कर दूँगा, फिर आपने इसके आगे खुद प्रैक्टिस करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में इसका मैं पार्ट करता हूं। ए पार्ट करने से पहले डी स्टूडेंट्स मिड पॉइंट फार्मूला जो है ये एक जो है पहले डिस्टेंस फार्मूला था, दो पॉइंट का जो है वो दो पॉइंटों के दरम्यान जो डिस्टेंस था उसका फार्मूला जो है वो मैंने प्रूव भी किया था और मैं हर क्वेश्चन में वो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल हुआ था। अब हम जो है दो पॉइंटों के मिड पॉइंट जो है दो एक लाइन है उसके एंड पॉइंट दिए हैं और उसका मिड पॉइंट जो है वो निकालना है, उसका फार्मूला है, फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट। ये चले मैं फार्मूला आप लिख देता हूँ, मिड पॉइंट फार्मूला चले लिख लेते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला चले इस तरह मैं लिख देता हूं और फिर आपको इसको अच्छी तरह याद कर दे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है डी स्टूडेंट्स, ये एक लाइन है, मसलन ये एक लाइन हमारे पास है, ये एक लाइन, तो इसका ये एक पॉइंट ए है, ए पॉइंट इसका हम जो है वो रख लेते हैं एक्स वन वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन और y1, और इस पॉइंट का हम जो है वो कोऑर्डिनेट ये b पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो x2 और ये y2 हम रख लेते हैं। डी स्टूडेंट आपके सामने है, ज़रा गौर करें, ये एक लाइन है, एक मैंने लाइन खींची है और इस लाइन का ये a पॉइंट मैंने रखा है और ये b पॉइंट रखा है। इस पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x1 है और y1 है और b पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट x2 है y2 है, तो हम दरमियान में इसका ये मिड पॉइंट जो है ये जो है वो इसका नाम m रख लेते हैं, इसका नाम क्या रख लेते हैं एम पॉइंट रख लेते हैं, और इसका एम पॉइंट जो है इसका हम सपोज कर देते हैं इसके कोऑर्डिनेट जो है एक्स और वाई है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और वाई। एक लाइन खींची है हमने, एक लाइन खींची है उसका इसको एंड जो है एंड पर उसके पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है इसका एक्स वन वाई वन और बी पॉइंट एक्स टू वाई टू, और इनका हमने मिड पॉइंट यानी दरमियान वाला उसका बिल्कुल दो पार्ट हो जाए, दो यानी जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस, तो ये मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे इसका फार्मूला मिड पॉइंट का है एम इज एम जो है ये हमने लेट कर दिया है कि m जो है ये इसके कोऑर्डिनेट x y हैं, तो इसका मिड पॉइंट जो है ये इसके फार्मूला जो है ये इसका ये होगा, इसको अगर मैं इस तरह लिखूं कि चलें ये x और y ये मिड पॉइंट इसका होगा, इसके जो पॉइंट आएंगे ये x1 प्लस x2, एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू, यानी पहला एक्स वन कोऑर्डिनेट फिर एक्स टू कोऑर्डिनेट इसको ऐड कर देंगे और दो पर टू पर इसको डिवाइड कर देंगे, ये इसका एक्स का कोऑर्डिनेट पहला कोऑर्डिनेट निकल आएगा और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वाई वन और प्लस वाई टू जो है, और ये इसको ओवर टू कर लें, ये डिवाइड करेंगे टू पर, ये इसके कोऑर्डिनेट आएंगे।
डियर स्टूडेंट्स, इसके एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स वन और वाई एक्स टू को ऐड कर लेंगे और कितने पॉइंट है, दो दो पर टू पर डिवाइड करेंगे। देन वी टेक द सेकंड कोऑर्डिनेट वाई टू, ये सॉरी ये वाई वन है, ये क्या है, ये वाई वन है, ये एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू और ये वाई टू। अब ये y1 प्लस y2 और ओवर 2 ये सेकंड कोऑर्डिनेट आएंगे। अगर इसको आप अलग इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये इसका x का जो है वो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे x1 प्लस x2 ओवर 2, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसका ये y1 प्लस y2 ओवर टू। इस तरह अलग भी निकाल सकते हैं इसका, इसका क्या निकाल सकते हैं, अलग भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इस तरह डायरेक्ट भी आप एक एक में भी और अलग भी इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर वन में उसने क्या कहा है, उसने ये पेयर दिए हैं पॉइंट्स के, इसमें एक उसने इसका पहला पार्ट करते हैं, ए पार्ट जो है इसमें उसने जो पॉइंट दिए हैं ए ए जो है इसके कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं ये नाइन टू, और ये बी जो है इसके कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट जो है ये सेवन टू, सेवन टू कोऑर्डिनेट दिए हैं। अब वो कहता है, अब वो कहता है इसका मिड पॉइंट जो है वो मालूम करें, तो इसको अगर लाइन हम सेगमेंट खींचे, लाइन की सेगमेंट जो है ये लाइन, तो ये ए पॉइंट होगा, ये पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट जो है नाइन और ये टू, और बी कोऑर्डिनेट जो है ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ये जो उसने दिए हैं सेवन टू। तो इसका मिड पॉइंट जो है ये सपोज कर लेते हैं ये इसका एम मिड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो हम क्या सपोज करें, लेट द लेट एम एक्स वाई, यानी एक्स वाई जो है इसके कोऑर्डिनेट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी, ए बी का जो है ये मिड पॉइंट है, ए बी का क्या है मिड पॉइंट है। तो इसका हम जो है ये मिड पॉइंट डायरेक्ट से मैं कर देता हूँ, एम जो है ये इसका एक्स वाई ये आएगा और ये इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स वन, फार्मूला ये एक्स वन प्लस एक्स टू। तो ये डियर स्टूडेंट ये इसका एक्स वन है, ये मैं नीचे इसको लिख देता हूँ, ये एक्स वन है इसका, ये x1 कोऑर्डिनेट है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है कोऑर्डिनेट इसका। तो इसका जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 ओवर 2, तो ये x1 जो है ये 9 प्लस x2 7 ओवर 2, और y का कोऑर्डिनेट y1 2 प्लस टू, दोनों टू हैं, ये वाई वन भी टू है और वाई टू भी टू है, ओवर क्या आएगा टू आ जाएगा। ये इस तरह आप अलग भी कर सकते हैं इसका, इसको अलग कैसे कर सकते हैं वो भी जो है वो मैं बाद में चले बताता हूँ। एम जो है ये एम हमारे पास जो आएगा ये एक्स वाई जो है ये इसका नौ और सात सिक्सटीन आ जाएगा, सिक्सटीन ओवर टू आ जाएगा, और दूसरा फोर ओवर टू आ जाएगा इसका। यहाँ इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो एम एम जो है इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे ये दो एक बार दो, दो एट बार एट, तो इसका एट आ जाएगा, और ये दो एक बार दो, दो बार चार, तो ये टू आ जाएगा। इसके मिड पॉइंट क्या आएंगे, एट और टू, इसके मिड पॉइंट क्या आएंगे, एट और टू इसके मिड पॉइंट आ गए हैं। अगर आपने इसको वैसे जो है वो दूसरे तरीके से करना है, वो तरीका एक ही है लेकिन थोड़ा सा वो एक जो आपको आसान लगे। अब यहाँ तक आपने इसका करना है तो ये लेट एम एक्स वाई द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लिखने के बाद एक्स जो है ये एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू,
यानी x1 प्लस x2 ओवर 2 करेंगे और y की वैल्यू जो है ये y1 प्लस y2। ये अब x इज इक्वल टू x1 क्या है ये 9 और प्लस जो है ये x2 क्या आएगा ये 9 और ये 7 आ जाएगा ओवर 2 और y के जो पॉइंट आएंगे ये y1 इसका ओवर 2 नहीं लिखा जी ओवर 2 लिख दें y1 क्या आएगा 2 और प्लस y2 2 ओवर जो है वो 2 ये उसी तरह ही है x इज इक्वल टू ये 16 ओवर 2 आ जाएगा और ये y इज इक्वल टू ये 4 ओवर 2 आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा ये 8 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई और y की वैल्यू जो है ये क्या आ गई 2 आ गई y की वैल्यू क्या आएगी तो फिर आखिर में आपने मिड पॉइंट इस तरह लिखना है कि ये एक्स वाई जो है ये इज इक्वल टू क्या आ गया 8 व 2 जो है ये इस तरह ये आंसर होगा बिल्कुल वही तरीका ये अलग अलग करके जो है वो तरीका था तो ये मैंने इकट्ठा कर लिया है तो वेरी सिंपल क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें अगला हम फिर जो है वो क्वेश्चन करते हैं आगे डी इसका पार्ट करते हैं डी स्टूडेंट डी पार्ट जो है इसमें वो क्या देता है डी पार्ट के पॉइंट जो है डी पॉइंट ए जो है ये ए उसका पॉइंट उसने दिया है माइनस 4 और 9 और जो है ये बी जो है इसका पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट उसने क्या किया है माइनस 4 और ये माइनस 3 ठीक अब जो है इसका हम जो इसके मिड पॉइंट जो है वो निकालना है इस लाइन का मिड पॉइंट जो है पहले तो इसका हम लाइन खींच लेते हैं क्या पॉइंट बनेंगे जी ये एक लाइन बनेगी तो ये ए पॉइंट जो है इसका ए पॉइंट रख लें ए पॉइंट जो है वो माइनस 4 और 9 आएगा और बी पॉइंट जो है इसका क्या आएगा ये माइनस 4 और माइनस 3 इस तरह लाइन खींच ले और ये मिड पॉइंट इसका ये क्या कर लें एम कर लें मिड पॉइंट क्या कर लें और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई कर लेते हैं जी इसके कोऑर्डिनेट क्या कर लेते हैं एक्स वाई कर लेते हैं तो लिखें लेट द मिड पॉइंट लिखेंगे लेट द मिड पॉइंट is m x y ये हमने लेट कर लिया कि ये मिड पॉइंट इसके जो है ये x y है अब क्या करना है अब हम x की वैल्यू निकालते हैं x x जो है चलो डायरेक्ट इस तरह कर लेते हैं x की वैल्यू जो आएगा x1 प्लस x2 ओवर 2 ये x की वैल्यू आ जाएगी और ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी y की वैल्यू y1 और प्लस y2 ओवर 2 इस तरह अलग अलग करके भी इस तरह निकाल सकते हैं जी आपके सामने है डियर स्टूडेंट अब क्या है ये x1 क्या है और x2 क्या है y1 क्या है y2 ये इसी तरह जिस तरह पीछे हम क्वेश्चन करते हैं ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है जी इसको हम सिंपलीफाई करते हैं जी आगे ये x जो है ये x इज इक्वल टू x1 माइनस 4 प्लस x2 x2 माइनस 4 ये ब्रैकेट माइनस के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दी ओवर 2 ये x का चले पहले x का साथ साथ चले y का भी कर लेते y इज इक्वल टू y1 9 प्लस y2 माइनस 3 ओवर क्या आएगा ओवर 2 आएगा जी ओवर क्या आएगा 2 ये x इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 4 और ये प्लस माइनस माइनस 4 ओवर 2 और ये y क्या आएगा y इज इक्वल टू 9 और प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 2 तो ये x इज इक्वल टू आएगा ये माइनस 8 ओवर 2 आ जाएगा और ये y जो है इसका क्या आएगा जी ये 6 ओवर 2 आ जाएगा 6 ओवर 2 तो दो एक बार दो दो 4 टाइम्स आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा और ये
y इज इक्वल टू क्या आएगा, दो एक बार, दो तीन बार थ्री, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री। तो ये मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, मिड पॉइंट एक्स वाई जो लेट किया था, ये क्या निकले जी, पहले x की वैल्यू माइनस फोर और y की वैल्यू जो है ये थ्री। ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है, माइनस फोर थ्री जो है इसका जो है, मैंने अलग अलग करके जो है इसके मिड पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट निकाल लिया, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो निकाल लिया। डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने इसको नोट करना है तो डियर स्टूडेंट्स नोट कर लें, फिर अगला पार्ट इसका जो है वो करते हैं। अगला एक पार्ट कर देता हूँ, फिर आपने जो है वो खुद क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये इसके पार्ट जो हैं ये एक्सरसाइज 9.3 के एफ तक है, तो यानी सिक्स पार्ट है, मैंने थ्री पार्ट कर देता हूँ और जो है वो फिर आगे आप थ्री पार्ट कर लें, तो ये आखिरी पार्ट मैं कर देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, इसको हम अगला आखिरी पार्ट करते हैं जी। आखिरी पार्ट ये स्टूडेंट्स एफ पार्ट है, एफ पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि ए जो है ए पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट वो दे रहा है 0 0, और बी जो है ये इसके कोऑर्डिनेट दे रहा है क्या 0 माइनस 5। ये आपके सामने है, ज़रा गौर करें, ये फार्मूला आप अच्छी तरह तैयार कर लें, मुश्किल नहीं है फार्मूला, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। तो ये इसका मिड पॉइंट निकालना है, ये लाइन के उसने पॉइंट दिए हैं, ये एक पॉइंट हम जो है ए रख लेते हैं जो उसने दिया है 0 0, और ये बी पॉइंट रख लेते हैं, ये बी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 0 माइनस 5। अब लेट कर लें इसका मिड पॉइंट एम जो है इसका मिड पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, एक्स और वाई इसके मिड पॉइंट। ये स्टूडेंट जरा गौर से देखें, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो आ सकता है, लेट एम एक्स वाई इज द मिड पॉइंट, चले इस तरह कर लें, इज द मिड पॉइंट। हमने क्या कर लिया कि लेट एक्स एक्स वाई इज द मिड पॉइंट जो है, तो एक्स जो है ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू एक्स वन और प्लस एक्स टू ओवर टू, ये एक्स वाला पॉइंट आ जाएगा, और वाई वाला पॉइंट क्या आएगा, वाई वन और प्लस वाई टू ओवर टू। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन y1, x2, y2। तो x जो है x इज इक्वल टू x1 0, x1 0 प्लस x2, x2 0 ओवर 2, ये x का कोऑर्डिनेट, और y का कोऑर्डिनेट y1, y1 0 प्लस y2 माइनस 5 ओवर टू। ये आपके सामने है डियर स्टूडेंट, जरा गौर करें, गौर से देखें, इसको सुने और समझे, जीरो ओवर टू, जीरो ओवर टू डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, जीरो के नीचे कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी चीज हो, जीरो हो जाता है, ये जीरो आ जाएगा, और वाई जो है इसके हम ये जीरो और प्लस माइनस माइनस फाइव, जीरो माइनस फाइव ओवर टू आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव ओवर टू जो है, ये डियर स्टूडेंट आपका मिड पॉइंट जो है एम जो है मिड पॉइंट, हमने इसको लेट किया था एक्स वाई, तो इसके पॉइंट क्या आ गए जी, इसके पॉइंट आए जीरो और ये माइनस फाइव ओवर टू जो है, ये डियर स्टूडेंट इसके पॉइंट है, ये मैं निशान लगा देता हूँ आगे एरो का कि ये इसका जो है वो आंसर है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ये फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो आपने याद करना है, ये अच्छी तरह याद कर लें। आगे क्वेश्चन नंबर टू जो है डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू डियर स्टूडेंट्स वो कहता है, क्वेश्चन नंबर टू मैं पढ़ देता हूँ जो है वो, द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू,
ये पी की लाइन सेगमेंट है वो एंड पॉइंट उसका इज -36 एंड इट्स मिड पॉइंट जो है इज 58 इसका मिड पॉइंट उसने दिया है, एक पॉइंट एक लाइन का एंड पॉइंट दिया है और एक मिड पॉइंट दिया है एंड एक लाइन का एक पॉइंट एंड पॉइंट जो दिया है वो -36 दिया है और इसका मिड पॉइंट लाइन का 58 दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट क्यू, एंड पॉइंट पी यानी पी का एक एंड पॉइंट उसने -36 दिया है और मिड पॉइंट 58 दिया है और एक क्यू पॉइंट जो है इसका एंड जो है वो निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर टू, डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करें, क्वेश्चन नंबर टू वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर टू जी। क्वेश्चन नंबर टू में ज़रा दोबारा मैं इसको ज़रा गौर से सुने, उसने एक पी क्यू जो है वो दो सेगमेंट एक लाइन सेगमेंट दी है, एक लाइन सेगमेंट दी है, ये लाइन सेगमेंट उसने दिया है और लाइन सेगमेंट में उसने पी एक पॉइंट दे दिया है, ये -3 और ये 6 एक एंड दे दिया है और फिर मिड पॉइंट दे दिया है, ये एम मिड पॉइंट उसने क्या दिया है 58। वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट क्यू, इस पॉइंट क्यू के एंड पॉइंट जो है वो मालूम करें, ये मालूम करना है। सवाल है द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, एक दिया है -36 एंड इट्स मिड पॉइंट 58, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड ऑफ क्यू, इसके मालूम करें। क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, पहले तो ये था कि दो पॉइंट दिए थे उसका मिड पॉइंट निकालते थे, अब उसने ये मिड पॉइंट दे दिया और एक एंड पॉइंट दे दिया, जैसे ये पी वो कह रहा क्यू जो है इसके पॉइंट जो है वो मालूम करें, लेट द पॉइंट ऑफ क्यू इस तरह भी लिख सकते हैं, लेट द एंड पॉइंट ऑफ द लिखें लेट द पॉइंट द कोऑर्डिनेट चलो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट क्यू जो है इसके कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लेते हैं x2 y2 इस लिहाज से मैंने जो आप कंफ्यूज ना हो ताकि मैं उसी हिसाब से ही जा रहा हूं कि ये एक्स वाई मैंने तो ये ऑलरेडी आ गए हैं, ये एक्स वाई ये एक्स वन ये वाई वन ये एक्स वन ये वाई वन ये एम पॉइंट एक्स वाई है और ये क्यू पॉइंट आहर में ये x2 y2, इसलिए मैंने सपोज ये कर दिया है कि ये x2 जो है y2 इसका एंड पॉइंट है, इसका मतलब ये होगा x2 एक कोऑर्डिनेट और एक y2, ताकि उसी हिसाब से हम चले आगे। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट क्यू x2 y2, तो अब क्या करेंगे जी, अब ये है कि इन दोनों को जमा करते हैं, यानी x इज इक्वल टू ये x1 प्लस x2 ओवर 2, ठीक वही फार्मूला और ये इस तरह ये फार्मूला ये आपके सामने y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक ये वही फार्मूला। अब मैंने पॉइंट उसी तरतीब से रखे हैं जिस तरतीब से ये फार्मूला है, अब ये फार्मूला डियर स्टूडेंट आप उसी तरतीब से रखा है, तो ये पॉइंट जो है ये x1 ये y1 और ये x पॉइंट और ये y पॉइंट देख लें, ये x1 y1 मिड पॉइंट का ये फार्मूले में xy है, ये xy मैंने लिखा है और ये एंड पॉइंट ये b, जैसे यहाँ b की जगह q है और ये x2 y2 मैंने उसी तरतीब से रख दिया है ताकि आपके कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल उसी तरीके से हम आगे फार्मूले के हिसाब से जो है वो इसका निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू x1 -3 प्लस x2, ये x2 उसी तरह ही है x2। अब ये देखें यहाँ मैं थोड़ा सा ये x की वैल्यू लगा दी है, इधर ही मैं लगा लेता हूँ, x की वैल्यू क्या है ये 5 मैं 5 लगा रहा हूँ,
x की वैल्यू क्या है 5, मैं 5 लगा रहा हूँ, x1 की वैल्यू -3 लगा दी, आगे प्लस, ये प्लस x2 जो है, ये x2 की वैल्यू हमारे पास नहीं, ये तो निकालनी है, ये इसी तरह ओवर 2, ठीक बिल्कुल उसी तरतीब से जा रहा हूं, y = y1 6 प्लस y2 जो है ये क्या आ जाएगा, y2 मालूम करना है, और यहां थोड़ा सा मैंने ओवर 2, यहां मैंने वैल्यू नहीं लगाई y की, ये y की वैल्यू लगा ले 8, ठीक। अब डियर स्टूडेंट 5 = -3 प्लस, पहले इसको हल कर लेते हैं जी, फिर ओवर 2। तो वही तरीका डियर स्टूडेंट्स, ये x2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये 7 चीज़ें ख़त्म करेंगे इसके, तो 2 को ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई 2 इधर भी कर लें, मल्टीप्लाई 2 इधर भी कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 10 आ जाएगा, 10 = -3 और प्लस x2। अब डियर स्टूडेंट बताएं x2 जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, ये ख़त्म करना है, ये कैसे ख़त्म होगा बताएं जी, इसको इस तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, ये -3 है तो +3 हो जाएगा, ये आएगा 10 + 3 जो है = किसके रह जाएगा x2 के, ठीक। तो ये आ जाएगा, ये जो है वो 13 जो है 13 = x2 आ जाएगा, ये x2 की वैल्यू आ गई जी। अब इसी तरह ये 2 ख़त्म करना है, 2 कैसे ख़त्म करेंगे, 8 इस लाइन भी लगा सकते हैं इसको, अगर लाइन लगा लें तो फिर भी ठीक है, लाइन लगा लें, ये 8 = 6 + y2/2। ये डियर स्टूडेंट ये 2 ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई 2 इधर भी कर लें, मल्टीप्लाई 2 इधर भी कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 × 2 = 16 और ये 6 प्लस जो है ये y2 ये आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट y2 की वैल्यू निकालनी है, 6 को ख़त्म करना है, 6 को कैसे ख़त्म करेंगे, इस तरफ आ जाएगा, ये 16 - 6 जो है is equal to y2, ये आ जाएगा 10 = y2। y2 की वैल्यू क्या आ गई, y2 की वैल्यू 10 आ गई और x2 की वैल्यू जो है वो 13। इसको सीधा करके भी आप पता नहीं नीचे नज़र आ रहा है स्क्रीन में या नहीं, ये इसको सीधा करके मैं यहाँ लिखने लगा हूँ जी, ये इसको ये नीचे नज़र नहीं आएगा, और ये दिस इम्प्लाइज दैट ये x2 जो है ये is equal to 13 के आ गया, और ये दिस इम्प्लाइज दैट y जो है ये y2 के इसके इक्वल आ गया, ये 10 के आ गया, ये मैंने दोनों जो है वो लिख दिए। अब जो है इसका मिड इसका क्यू पॉइंट क्या आएंगे, क्यू पॉइंट जो है हमने सपोज किए थे x2 और ये y2, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई जी, क्यू पॉइंट आ गया x2 13 और y2 10, ये डी स्टूडेंट ये क्यू पॉइंट आ गया, ये आगे। अब यहाँ एक आपको मैं बताने लगा हूँ, ये आपने खुद करना है, ये आपने क्या करना है, खुद करना है, ये क्यू पॉइंट यहाँ रख कर इसका मिड पॉइंट निकालें, क्या ये आते हैं या नहीं, ये आपकी असाइनमेंट है। ये क्यू पॉइंट हमने निकाली है ना, अब क्यू पॉइंट जो है x2 की जगह हम जो है वो 13 रखें और y2 की जगह 10 रखें, और इसका ये मिड पॉइंट फार्मूला लगा कर क्या मालूम करें कि ये 5 और 8 आता है या नहीं, अगर ये आ जाए तो इसका मतलब हमारा ये आंसर ठीक है, और अगर ना आए तो हमारा आंसर क्या है, गलत। ये आपने खुद करना है और कमेंट्स पर लिखना है कि हल करके क्या ये ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं इसको देखूंगा। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने जो है वो एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्व कर लिया है, अगले क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के रिलेटिव दो स्टूडेंट जो है उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।